हेलो दोस्तों, मैं हूं आपके साथ अखिलेश वर्मा और आप सब देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल मेंटोर वर्मा। और आज के इस वीडियो में मैं स्टोरी रिकैप करने वाला हूं केजीएफ के चैप्टर 1 का। तो अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन मिस नहीं करना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, केजीएफ फिल्म के चैप्टर 1 की स्टोरी की शुरुआत होती है 1981 की टाइमलाइन से, जिसमें इंडिया के पीएम एक आदमी का डेथ वारंट साइन करती है ये बोलकर कि वो एक बहुत ज़्यादा खतरनाक क्रिमिनल है। और इंडिया के पीएम यहाँ और किसी की नहीं बल्कि मूवी के लीड कैरेक्टर रॉकी की बात कर रही है। और फिर अगले सीन में हमें 2018 की टाइमलाइन दिखाई जाती है, जिसमें एक फेमस जर्नलिस्ट रॉकी की लाइफ के ऊपर एक बुक लिखते हैं, लेकिन गवर्नमेंट उनकी इस बुक को बैन कर देती है और उस बुक की सभी कॉपीज़ को जला दिया जाता है। लेकिन उसकी एक कॉपी एक न्यूज़ चैनल वालों के हाथ लग जाती है, जिसके बाद वो न्यूज़ चैनल वाले उस बुक के राइटर का इंटरव्यू लेते हैं। और उनकी इस बुक का नाम होता है एल डोराडो, जिसका मतलब होता है खोया हुआ सपने का शहर। फिर राइटर खुद बुक की स्टोरी न्यूज़ चैनल वालों को बताना शुरू करते हैं, जो कि कहानी है सन 1951 की, जब कर्नाटक के कोलार शहर में वहाँ के लोगों को खुदाई में कुछ अजीब से पत्थर मिलते हैं। इसकी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से कुछ लोगों की टीम आती है और उनके साथ वहाँ का एक लोकल रेसिडेंट भी है, जिसका नाम सूर्यवर्धन था। और सूर्यवर्धन उस एरिया का काफ़ी पावरफुल आदमी है। और जैसे ही ये बात कन्फर्म की जाती है कि पत्थर सोने के हैं, सूर्यवर्धन उन सभी गवर्नमेंट ऑफिसर्स को मरवा देता है ताकि ये खबर सरकार तक ना पहुंच पाए। और जिस दिन ये घटना होती है उसी दिन पास के एक गांव में एक बच्चे का बर्थ होता है, जो कि आगे चलकर रॉकी बनेगा। फिर सूर्यवर्धन ने उस पूरी ज़मीन को लाइमस्टोन माइनिंग के नाम पर 99 ईयर्स के लिए किराए पर ले लिया और उस जगह का नाम पड़ा कोलार गोल्ड फील्ड्स, यानी कि केजीएफ। और सूर्यवर्धन कई सारे लोगों को उस जगह पर ज़बरदस्ती माइनिंग करवाता था। और इस कंपनी को अच्छी तरह से मैनेज करने के लिए उसने 5 पार्टनर्स बनाए, जिसमें कमल, एंड्रयूज, राजेंद्र देसाई, गुरु पंडित और सूर्यवर्धन का भाई अधीरा है, जिसमें अधीरा को छोड़कर बाकी चारों पार्टनर्स केजीएफ के बाहर रहकर ही इस बिजनेस को संभालते थे, जिसमें वो खदान से निकले हुए सोने की माइनिंग से लेकर स्मगलिंग तक किया करते थे। और उनका ये काम काफ़ी जोरों शोरों से चल रहा था। लेकिन 1978 में सूर्यवर्धन को हार्ट अटैक आ जाता है, जिसके बाद उसकी तबीयत काफ़ी ख़राब रहने लगती है, जिसके बाद बाकी पार्टनर केजीएफ पर कब्जा करने का प्लान बनाने लगते हैं, जिसके बाद सूर्यवर्धन अपने बेटे गरुड़ा को कंपनी का मालिक बना देता है। लेकिन ये बात सूर्यवर्धन के भाई अधीरा को पसंद नहीं आई और उसने गरुड़ा को मारने की कोशिश की, लेकिन वो अपने इस प्लान में कामयाब नहीं हो पाया और गरुड़ा अधीरा को मारने में कामयाब हो जाता है, जिसके बाद गरुड़ा ही मालिक बनकर राज करने लगता है। और क्योंकि वो बहुत स्ट्रिक्ट और जालिम था, जिसके कारण बाकी के पार्टनर उससे नफरत करने लगे थे। और दूसरी तरफ जब रॉकी 10 साल का था तभी उसकी माँ बीमारी से गुजर जाती है, लेकिन वो मरने के पहले अपने बेटे से एक वचन लेती है कि रॉकी को बड़ा होकर बहुत ताकतवर और अमीर आदमी बनना होगा, ताकि वो खुद तो अच्छी तरह से जी ही सके, साथ ही साथ दूसरे लोगों की मदद भी कर सके। जिसके बाद रॉकी मुंबई जाकर डॉन शेट्टी के लिए काम करने लगता है और धीरे धीरे वो डॉन शेट्टी का खास आदमी बन जाता है और मुंबई में डॉन शेट्टी का गोल्ड स्मगलिंग का पूरा काम संभालने लगता है। और अब रॉकी काफ़ी पावरफुल बन गया है, यानी कि अच्छों के लिए बहुत अच्छा और बुरों के लिए बहुत बुरा। फिर 1978 में शेट्टी का बॉस एंड्रयूज, जो कि केजीएफ के पार्टनर्स में से एक है, रॉकी से मिलकर उसे एक काम सौंपता है और बोलता है कि अगर उसने वो काम पूरा कर दिया तो पूरी मुंबई उसकी। और इस काम के लिए रॉकी बैंगलोर जाता है और वहाँ पहुँचते ही वो राजेंद्र देसाई की बेटी रीना से मिलता है और वो उसे पसंद आ जाती है। और राजेंद्र देसाई और कोई नहीं बल्कि केजीएफ का एक और पार्टनर है। फिर रॉकी खुद राजेंद्र देसाई से मिलता है और राजेंद्र देसाई रॉकी को बताता है कि उसका काम गरुड़ों को मारना है। फिर सभी पार्टनर्स प्लान बनाकर गरुड़ों को बैंगलोर बुलवाते हैं, लेकिन गरुड़ा इस प्लान के बारे में पहले से ही जानता था, इसीलिए वो पूरी तैयारी के साथ आया था। और सभी पार्टनर्स का प्लान फेल हो जाता है और रॉकी उसे नहीं मार पाता, लेकिन अगर गरुड़ा चाहता तो वहीं के वहीं अपने सारे दुश्मनों को मार देता। लेकिन उसने कसम खाई थी कि अपने पिता के जिंदा रहते तक वो किसी पार्टनर को नहीं मारेगा और इसी कारण से वो किसी को भी बिना मारे वहाँ से वापस चला जाता है। फिर रॉकी डिसाइड करता है कि वो गरुड़ा को उसी के घर में घुसकर मारेगा। फिर सभी पार्टनर्स मिलकर केजीएफ के अंदर की कुछ खुफिया इन्फॉर्मेशन रॉकी को देते हैं। फिर जब गरुड़ा के आदमी लोगों को माइनिंग करवाने के लिए ज़बरदस्ती उठाने जाते हैं, तभी रॉकी भी वहाँ पहुँचकर उनके साथ मिलकर खदान में चला जाता है। फिर जब रॉकी वहाँ पहुँचता है तब उसे रियलाइज़ होता है कि वो जगह कितनी खतरनाक है, क्योंकि वहाँ 20,000 से भी ज़्यादा लोगों को माइनिंग करवाने के लिए किडनैप करके रखा गया था और हर किसी से 12 घंटे काम करवाया जाता था, और जो लोग बूढ़े या कमज़ोर थे उन्हें मार दिया जाता था। और वहाँ के गार्ड भी नियम तोड़ने वालों को बिना टाइम गवाए गोली मार देते थे। और उस खदान से थोड़ी ही दूरी पर गरुड़ों का महल था, जहाँ वो अपने पिता और भाई के साथ रहता है, और इस महल की सिक्योरिटी बहुत ही ज़्यादा मजबूत थी। फिर रॉकी वहाँ रहकर पूरी जगह को बढ़िया तरीके से एनालाइज करता है और फिर वो महल तक पहुँचने का
का खुफिया रास्ता भी ढूंढ लेता है, जिसके बाद बस वो सही मौके की तलाश कर रहा है। फिर जब एक दिन एक गार्ड अंधे बूढ़े आदमी को मारता है तो रॉकी अपने आप को रोक नहीं पाता और अकेले ही 23 गार्ड्स को मार देता है और सभी वर्कर्स की नज़र में हीरो बन जाता है। और सभी गार्ड्स की लाश जलाकर रॉकी अपने लोगों को सिग्नल भेजता है कि अब वो पूरी तरह से तैयार है, जिसे देखकर रॉकी के साथी समझ जाते हैं कि रॉकी ने सिग्नल भेजा है। फिर हमें पता चलता है कि गरुड़ का भाई विराट भी गरुड़ को मारने के प्लान में शामिल है और उसी ने खदान की खुफिया इन्फॉर्मेशन बाकी पार्टनर्स तक पहुंचाई थी ताकि रॉकी अंदर घुस सके, और रॉकी का सिग्नल मिलते ही विराट भी तैयार हो जाता है। लेकिन उस जगह गार्ड्स की अब्सेंस और बड़ी सी आग देखकर गरुड़ा के आदमी वहां जाने लगते हैं, लेकिन तभी उनका ध्यान भटकाने के लिए विराट अपने पिता को मार देता है और सूर्यवर्धन की मौत की खबर सुनते ही सभी गार्ड्स वापस लौट जाते हैं और रॉकी बच जाता है। फिर अपने पिता का अंतिम संस्कार करने के बाद गरुड़ा डिसाइड करता है कि काली पूजा के बाद वो सबको मार डालेगा, और गरुड़ा हर साल पूजा में 3 बकरों की बलि देता था, लेकिन इस बार वो बकरों की जगह 3 इंसानों की बलि देने का फैसला करता है और ये तीनों उसी के दुश्मन हैं जिन्हें पकड़कर एक कमरे में बंद रखा गया है। फिर जब गरुड़ा पूजा के लिए निकलता है तब रॉकी सबसे छिपकर महल के अंदर घुस जाता है और उसी कमरे में पहुंचकर उन तीनों में से एक को मारकर उसकी जगह खुद ले लेता है। और जब बलि देने के लिए उन तीनों को लाया जाता है तो हम देखते हैं कि पूजा में गरुड़ा के सभी आदमी और 20,000 काम करने वाले लोग भी आए हुए हैं। फिर गरुड़ा पूजा शुरू करके एक के बाद एक 2 लोगों की बलि चढ़ा देता है, और जब तीसरे की बारी आती है तो गरुड़ा देखता है कि उसकी तलवार गायब है, और तभी रॉकी पानी में से निकलकर गरुड़ा की गर्दन काट देता है, जिसके बाद गरुड़ा के आदमी शौक हो जाते हैं और कुछ रोने लगते हैं, और रॉकी गरुड़ा को मारने के बाद माता की मूर्ति की तरफ ऊपर चढ़ने लगता है, जिसके साथ ही साथ रॉकी के एक इशारे पर पूजा के बाजे दोबारा बजने शुरू हो जाते हैं और पंडित फिर से पूजा स्टार्ट कर देते हैं। और जब गरुड़ा के 400 गार्ड रॉकी को मारने आगे बढ़ते हैं तब उनका सामना वो 20,000 लोग करते हैं जिनका भरोसा रॉकी पहले ही जीत चुका था। और फिर एंड्रयूज को भी पता चल जाता है कि गरुड़ा मारा गया है, जिसके बाद ये खबर आग की तरह दूर दूर तक फैल जाती है और KGF के चारों पार्टनर सोचते हैं कि अब KGF पर उनका ही राज होगा। लेकिन रॉकी का प्लान तो कुछ और ही था, वो वहाँ सिर्फ मुंबई जीतने नहीं गया था बल्कि उसे तो पूरा KGF ही चाहिए था, क्योंकि रॉकी चाहता तो गरुड़ा को बैंगलोर में ही मार सकता था, लेकिन उसने उसे उसके घर में ही घुसकर मारा, वो भी हज़ारों लोगों के सामने, ताकि वो वहाँ राज कर सके, वो भी उन हज़ारों लोगों के सपोर्ट के साथ जो कि गरुड़ा की मौत के बाद उसके एक इशारे पर कुछ भी कर सकते थे। और रॉकी और चारों पार्टनर के अलावा भी कुछ ऐसे लोग थे जिनकी नज़र KGF पर टिकी थी, जिनमें से एक दुबई का इनायत खलील और दूसरा सूर्यवर्धन का भाई अधीरा, जो कि अभी तक मरा नहीं था बल्कि सिर्फ मरने का नाटक कर रहा था। और KGF का चैप्टर 1 यहीं खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, आप सभी को ये मेरा वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और अगर आपको ये मेरे मेहनत जरा सी भी पसंद आई है तो मेरे इस वीडियो को लाइक और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।